एक दो दिन पहले और बेटी से मैं बात करा, ये रोने लगी, मम्मी मुझे ले जाओ, मैंने इन्होंने मार देना है। तो कहता तू आ तो सही, तो मैं तेरी टांगे बांटूंगा। भी ये राजन थाना में रात देर रात तक 50,000 रुपए की डिमांड करते हैं। माँ रात को सही रात नहीं सोई, रो रो के बुरा हाल किया हुआ बच्ची, एक एक बच्ची बच्चा भी को ले आना ने। ये आरोप बिल्कुल झूठे हैं। SHO है नवदीप सिंह, ASI गुरपाल सिंह, महिला ASI दलजीत कौर। आपको और आपके पति को पहले सजा भी हो चुकी है, बच्चा बेचने का आप पर आरोप, जेल भी इन्होंने भेजा था। अगर हम आरोपी हैं तो वो थाना में क्यों नहीं आ रहे? क्या पैसों के लालच में ये सब कर रहे हैं? हाँ जी, पैसे लालच। नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी की विशेष खबर। और आपको बता दें कि थाना राजौंद के अंतर्गत आने वाला एक मामला है जिसमें एक विवाहिता ने आरोप लगाए हैं उनके ससुराल वालों पर, और गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ कहा जा रहा है कि उनका बच्चा भी है वो उनको दिया नहीं जा रहा है। और तमाम बातें हम इनके साथ करते हैं कि क्या पूरा मामला था, और इस विषय में तमाम जानकारियाँ इनसे ले लेते हैं और बातचीत करते हैं। जी, ये कहाँ का मामला है, कहाँ आपकी शादी हुई थी ये पूरी बता दें जरा। जलंधर में हुई शादी। जलंधर में शादी। हाँ, तो जिनके साथ शादी हुई थी, आपके पति का नाम क्या है? राम निवास। हाँ। और पूरा मामला बता दें, क्या कुछ मामला हुआ ये? मैंने मारपीट करता सी, कुट मार करता, गंदी हालत करता ही ससुसार, ससुसार गंदे हालत करके गंदे कमरे में गंद काम करते, गंदे बुआ बंद करके दरवाजे बंद करके गलत हालत करके मारपीट करते, दारू पी के पीटता था घर वाला। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को अभी? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। तो ये बातें कब शुरू हुई, मारपीट कब शुरू हुई शादी के बाद? पहले ही हो गई थी शादी। कितने दिन बाद शादी के? कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो किस तरह की मांग वो आपसे करते थे, मारपीट का कारण क्या रहा, क्या कुछ कहना था उनका? कुछ मारता पीटता था बस। तो कल क्या हुआ इस बारे में बताएं जरा। खाने नहीं दिता, कुछ पीने दिता, मेरी माड़ी माँ गाली लगाता है दीदी। अच्छा। हैं, गाली लगाता है, लवज गंदे गाते लगाता है, गाली आन लता लता बढ़ दूंगा, डंडे मार मार के मार दूंगा। कहाँ किस तरह की मारपीट की? डंडे मारे है, फांसी चढ़ाई है उसने मेरे। अच्छा। गला घुट दिया मेरा। अच्छा, फांसी चढ़ाने की कोशिश की है? हाँ जी। अच्छा। डंडे मारे मेरे, कोई चोट का निशान? हाँ जी, नहीं चले। देखो अभी बाकी शरीर तो अभी आपने पुलिस को शिकायत दी है कोई? नहीं, दिया। अच्छा, अब दिया। तो पुलिस का क्या कहना है, अभी पुलिस क्या कहती है? कोई कारवाई नहीं हुई मेरी अभी तक, हुई नहीं। तो अभी क्या मांग करते हो आप प्रशासन से, पुलिस से क्या मांग रहे? मेरा बच्चा मिल, बच्चा दवा दो मेरा। अच्छा, बच्चा मिल गया, मेरा बच्चे भी नहीं, बच्चे कार्रवाई की जावे तीनों के, माँ बेटा और बाप। तो अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हो जी? बच्चा दवा दो मेरा, केस पाओ, जेल भेजो इन्होंने तीनों। तो अभी अभी आपने क्या डिसीजन लिया है, अभी आप अपने ससुराल में रहना चाहते हो या आपके जो है माँ बाप के पास रहना? माँ बाप के पास रहना है, माँ बाप के पास। हाँ जी, मैं ये जो इनके बेटे की इनके साथ आप आए हो, क्या लगती हैं आपकी? मैं माता हूँ। आपकी बेटी है ये? हाँ जी, मेरी बेटी है। अच्छा, तो बहुत आपने इनकी शादी कहाँ की थी और कब का ये पूरा मामला? जलंधर में करीब 7 साल पहले। अच्छा, और इधर इधर की हरियाणा में रेड़वा पिंड में। तो हम क्या, मैं फ़ोन करती थी तो गाली निकालता था, ये रंडी का फ़ोन आ गया, बहुत गंदे गंदे लफ्ज बोलता था मुझे, रंडी तो बिना बोलता था, दली दंडी ऐसे बोलता था, बहुत गलत लफ्ज बोलता था। अच्छा। तो कहता तू आ तो सही, तो मैं तेरी टांगे बांटूंगा। अच्छा। बहुत गलत लफ्ज बोलता। तो ये जो उनका व्यवहार था, वो शादी के कितने दिन बाद इस तरह का व्यवहार उन्होंने शुरू किया? साल दो साल बाद। माँ भी कुटती रही, जड़ा बाप है गलत हरकत करता रहा, अंदर बंद कमरे में बाहर नहीं जाने देते थे उसको, बंदी बनाया हुआ था। अच्छा। हमें मिलने नहीं देते थे। जब आपको बुलाया गया, किसने सूचना दी और क्या सूचना दी? और मैंने फोन किया था एक दो दिन पहले और बेटी से मैं बात करा, ये रोने लगी, मम्मी मुझे ले जाओ, मैंने इन्होंने मार देना है, मैंने इन्होंने छुटा के ले जाओ, और मेरा बच्चा भी ले जाओ, बच्चे को भी इन्हें मार देना है, मेरा बच्चा भी ले जाओ, इधर से ले जाओ मुझे आके, मेरे साथ बहुत अत्याचार कर दे। मैं सारी स्टोरी सुनाई इसने अपने, उसके बाप की भी, उसकी भी शराब पी के मारता कूटता था, उसकी माँ भी कूटती थी। तो और वो
जो बाप है गंदी हरकतें करता था। आप जब आए मौके पर आपने देखा तो किस तरह का माहौल था, क्या कुछ हुआ था? उस दिन भी पीटा था। अच्छा, उस दिन एक रात को पीटा था, रोने लगी, मम्मी देखो मेरे को नील पाए पड़े पे, रात को भी इतने डंडे से मारा मुझे। अच्छा। उसकी माँ ने कहा कि आज ना मार इसो। तो आपने जब आपकी ओर से राजौंद पुलिस को शिकायत दी गई थी तो उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है और उन्होंने क्या कहा? कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं हुई, उन बंदे जो बंदे आए थे उनको भेज दिया, कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज आप कहाँ पे आए हुए, कहाँ शिकायत देने आए हुए? पंजाब से आए हैं इधर हरियाणा में कैथल, कोई हमारी सुनवाई। किसके ऑफिस में आए हो अभी शिकायत देने, कहाँ खड़े हो? एसपी खड़े हैं, एसपी के ऑफिस में आए। हाँ जी, तो अभी आप क्या मांग करते हो प्रशासन से, क्या अपील करते हो? उनसे खड़ा छुड़ा दो, इनका बच्चा दिया जाए, माँ का बच्चा। माँ रात को सही रात नहीं सोई, रो रो के बुरा हाल किया, बच्ची एक एक बच्ची बच्चा भी को ले आना ने किया, वो जानी उसे इतनी गाली कर कार्रवाई की जाए ना से। बच्चा जो आपका है वो कितने साल का है? सात। सात साल का? सातवां साल का। सातवां साल का, ठीक है। एक ही बच्चा आपके पास? लेकर क्या कुछ करने की आपकी जो है प्लानिंग? ये लड़की ज्योति हमारे बिल्कुल घर के पास रहती है, इनके इनके जो इनकी जो शादी हुई थी रोहेड़ा गांव में, तो वो ससुराल वाले पहले परेशान करते थे, तो फिर बाद में इनका हमने ख़त्म करवा दिया था, उसके बाद ये इसको ले गए फिर दोबारा, उसके बाद लड़की को टॉर्चर करना शुरू किया। इसकी मदर मेरे पास आई 18 तारीख को, उसने बोला कि मेरी लड़की का फ़ोन आया जो मेरे ससुराल वाले बहुत अत्याचार कर रहे हैं, ससुर द्वारा मेरा यौन शोषण किया जा रहा है बंद कमरे में, और अगर मैं अपने घर वाले को बोलती तो वो मुझे मारपीट करते हैं, अगर मेरी सास है वो उसको बोलती हूँ वो भी मारपीट करती है कि गलत धंधा करो, मुझे पैसे चाहिए जहाँ से मर्जी लेके आओ। तो हम रात को वहाँ से गाड़ी लेके चले, सुबह एसपी ऑफिस इसकी जो मदर है आशा रानी उसकी एप्लीकेशन हमने दी, एसपी साहब नहीं थे तो हमने डीएसपी हेडक्वार्टर साहब को दी, उन्होंने एसएचओ को फ़ोन भी किया। हम राजौंद थाने में गए तो हम 12 बजे से कल बैठे हुए थे, कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी, तो फिर लेडीज़ कांस्टेबल 3 बजे आई, फिर एसएचओ साहब इनके साथ गए, लड़की को वहाँ उनके चगुल से छुड़ा के लाए, तो लड़की ने अपने पूरे बयान दिए कि जो ऐसे ऐसे मेरे साथ मारपीट करते हैं, मुझे रात को भी मारा, मेरा गला घोट के मुझे मारने के प्रयास किया गया, जो मेरा ससुर है मैं अकेली बैठी होती हूँ तो मुझे अंदर आके वो हथियार के नोक पर मुझसे बलात्कार करता है, अगर मैं बताती हूँ तो मेरा घर वाला मुझे डंडों से मारता है। जिससे हमने पंचायत को बुलाया, पंचायत हुई, वो बोले राजीनामा करो, हमने भी चलो सोचा कि चलो लड़की अपना घर कर ले, उन्होंने इसका बच्चा रख लिया, हमने बच्चे की वजह से इसका राजीनामा भी करवाने की कोशिश की, पर वो इतने जालिम है कि वो बोले हम पर्चा करवा लेंगे, पर्चा दे दो, हमारी हरियाणा सरकार है, हमारा यहाँ थाना है, हमारे यहाँ विधायक है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। राजौंद थाना के अंतर्गत आने वाली एक शिकायत पर जो है एक महिला ने आरोप लगाए थे, जिन पर आरोप लगाए जा रहे थे उस महिला के द्वारा उन लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। जी, आप लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आप लोग जो है उस महिला से अनैतिक कार्य करवाए। ये आरोप बिल्कुल झूठे हैं, और ये शिकायत राजौंद थाना के अंदर दी गई थी। ये रामनिवास है, चाचा का लड़का है, इसकी शादी जलंधर में हुई थी 2014 में, उसके पास फिर एक लड़का हो गया, और लड़का जब ये 4-5 महीने का था, 6 महीने का था, तो इसका सासू ससुर ने लड़का बेचने के लिए कोई प्लान बनाई, जिसमें वो मीडिया के तहत पकड़े गए, उसका FIR नंबर वहाँ मुकदमा दर्ज है जलंधर, ये डिवीजन नंबर 7 में। SHO है नवदीप सिंह, ASI गुरपाल सिंह, महिला ASI दलजीत कौर। तो लड़का बेचते ये पकड़े गए, जो लड़का मारा था। उन लोगों का ये भी आरोप है कि जो आप लोग हैं उन पर जो दबाव बनाते हैं उस महिला पर कि आप अनैतिक कार्य करें, आप कुछ भी करें, लेकिन हमें पैसे से मतलब है, पैसे आप कमाने के लिए कुछ भी करें, हमें पैसा कमाना है, मतलब इस तरह के आरोप? ऐसा कुछ नहीं, हम गाँव में रहते हैं, मैं 2005 में जिला पार्षद था, मेरा घर का ये पड़ोसी है, ऐसा वहाँ कोई कार्य नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सभ्य आदमी है गाँव में रहने वाले, और गाँव के 100 के 500 आदमी इसके हक में एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं,
खुद एसएचओ साहब वहां गए थे, उन्होंने हर बात का की तफ्तीश की है। और हम कल से थाना में बैठे, कल भी आए थे राज भी, वो अगर हम आरोपी हैं तो वो थाना में क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं तफ्तीश में प्रशासन का सहयोग कर रहे। तो लेकिन आप लोगों पर ये भी आरोप उस महिला की माँ ने लगाया कि जब मैं आई तो इसको बंधक बनाया गया था घर में और जो है इसको फांसी डालने की तैयारी की जा रही थी, ऐसे भी आरोप हैं। एसएचओ साहब और उसकी मदर राजन से वो पुलिस प्रशासन को लेके गए थे, वो बिल्कुल आंगन में खुली थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। वो एसएचओ साहब से बात करो, राजन एसएचओ से इस मैटर में ऐसा कुछ नहीं था, हम पड़ोसी हैं सभी उसके, ऐसा कोई केस नहीं था। वो बिल्कुल ठीक ठाक से घर में रही, वो एक बिजनेस बनाया उन्होंने। अच्छा। वो एक साल के बाद 6 महीने के बाद केस करते हैं या उसको ले जाते हैं घर और 1 लाख रुपया लेते हैं फिर वापस भेज देते हैं। तो इससे पहले भी कोई ऐसा मामला सामने आया? हाँ, इससे पहले जलंधर थाना के अंदर 1 लाख रुपया लेकर इन्होंने कम्प्रोमाइज किया था। अच्छा। और रात भी ये राजन थाना में देर रात तक 50,000 रुपये की डिमांड करते रहे। हाँ, अगर सच्चाई जानना तो राजन थाना में आओ, वो भी आओ, तफ्तीश करवाओ। तो जब इससे पहले 1 लाख रुपए के समझौते वाली बात जो आप कह रहे हैं, उस समय भी कुछ लिखा पढ़ी हुई थी इस बारे में? वहाँ पंचायत हुई थी एक जलंधर में। अच्छा। मीला थाना में, और उसमें इन्होंने 1 लाख रुपए लेकर कम्प्रोमाइज कर लिया था। अभी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप पैसों के लालच में ये सब कर रहे हैं। हाँ जी, पैसे लालच। आप पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन लोगों का कहना है कि आप लोग जो है पैसों के लालच में ये सब करते हो? नहीं नहीं, पैसे लालच नहीं करते। उन लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग पैसे के लालच में ये सब करते हो? सरासर झूठ है सर, सरासर झूठ है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, जो भी किया इन लोगों ने किया। हम तो रिश्ता देखने गए थे बेटी का। अच्छा। तलाक हो चुका था, इन बच्चा भी हम साथ ले गए थे, रिश्ता देखने गए थे। और जो भी है सारा झूठ है, इन्होंने साढ़े ऊपर ऐसा रोग लगाया झूठा। लेकिन आपको और आपके पति को पहले सजा भी हो चुकी है बच्चा बेचने का, आप पर जेल भी इन्होंने भेजा था, जेल भी। और जज ने बच्चा बेटी को दे दिया, बच्चा को माँ के पास ही जाना है, तो जज ने बच्चे के ऑर्डर करते बच्चा दे दिया उन्होंने। लेकिन आपने बच्चा बेचा, इसी में तो आपको सजा हुई ना? सजा नहीं हुई थी। अच्छा। सजा नहीं हुई थी नहीं। लेकिन अब फिर आपको ऊपर जो है आरोप लगा जा रहे हैं आप पैसे के लालच में? उसको बच्चा पाला है, वो बच्चा हमने पाला है। अच्छा। बच्चा वो फेंक गया था हमारे घर में, इसके मैके में फेंक गया था भी तुम। अच्छा। पालो, हमने उसको 6 साल तक किया, हमने सारा ये मीठे बन के, मीठे प्यारे बन के हमसे फिर ले गया, बेटी को ले गए, बच्चे को ले गए भी। हम कभी अत्याचार नहीं होने देंगे, ना करेंगे, ना कोई बात होगी, आज से कोई शिकायत नहीं होगी। फिर वही बात, वो मारते पीटते फिर से, तो बच्चा फिर से रख लिया बेटी का। बच्चा माँ को देना चाहिए, बच्चा तो माँ का, माँ को देना चाहिए। लेकिन आप पर ये जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों के बारे में क्या कहेंगे आप? ये सब झूठ है। हाँ, सब।